मोदी तो बोला है कि पकौड़ा बेचला भी रोजगारी, मोदी हमको पकौड़ा बेचने लायक भी ले छोड़ा है भाई बा। तेल महंगा, गैस महंगा, पकौड़ा भी बेचे का। पहले हम बीजेपी को वोट दिए थे, देख रहे हरियर गमछा, अब हम पलटी मार दिए हैं। मुसलमपुर हाट में रहते थे, बड़ी पुलिस पीटा हमको। अरे बाप रे, कहला अरे नौकरी मांग ले गए थे भैया, तो हमारे वो दसवा बताया, अरे तू मोदी के वोट काहे दिया था, तब गली नौकरी उकरी देगा, तो बोला कि मोदी के तो तू राम मंदिर के नाम पर दिया था, धर्म के नाम पर दिया था, तो रोजगार काहे मांगे। तो हम सोचे हाँ ये गलती हो गया, इसीलिए पलटी मार दी। लालू यादव ने हारने वाला है न डरने वाला है, और तेजस्वी बहुत सीएम जल्दी बनने वाला है, तेजस्वी सीएम बनने वाला है, एकदम बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं। युवा का भी समस्या है और आप लोगों का भी समस्या है कि पेंशन नहीं मिलेगा तो बच्चों लात मार के भगा देगा बिहार का। हाँ एकदम भगा देगा, कहने की बच्चा भी लोभ से होता है कि माँ बाप को पेंशन मिलेगा, कुछ मिलते हैं हम लोग। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है और इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है बिहार आने वाले हैं और बिहार के लोगों से बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के कैसे स्वागत करते हैं और क्या सच में यहाँ से 40 में 40 सीट लेके जाएंगे फिर बीजेपी के लोग। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम? रोहिणी। अच्छा क्या करती है? पढ़ाई। अच्छा मोदी जी आ रहे हैं बिहार में, कैसे स्वागत कर रही है? कैसे किया जाता है, फूल भी छागर करेंगे और क्या, उससे ज्यादा तो उससे ज्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। किसको पसंद करती है, राहुल गांधी या मोदी जी? मोदी जी। मोदी जी, यस। काहे मोदी जी का पसंद करती है? क्योंकि देश का भला सोचते हैं, इसलिए देश का भला सोचते बस इसीलिए। अच्छा क्या भला सोचते हैं? मतलब हम लोग का नेता सब तो सब चीज करके देता ही है, खुल के बोलिए। मतलब साले साल में बनवाते रहते हैं कुछ ना कुछ, मतलब हम लोग के तरफ इसीलिए। जब तेजस्वी यादव सीएम था ना, उप सीएम, तो हमारे पास वो गर्लफ्रेंड थी। अच्छा ठीक है, तो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का वादा किया था, समझे, 5 लाख 4 लाख दी, हमारी गर्लफ्रेंड कॉल किया कि तुमको नौकरी मिला, तो हम बोले पगली 10 लाख के ना वादा कर ले रहा है, रुक अभी छठा में हमारे नंबर आएगा, 6 लाख बाकी है ना, तो बोला ठीक है, जब तक न्यूज सुने कि नीतीश कुमार पलटी मार दे, समझे। फिर हमको कॉल की कि देखो नीतीश कुमार पलटी मार दिया है, अब तेजस्वी यादव जिसको नौकरी दिया है ना मुझसे शादी कर रहे हैं, तो हम बोला अरे रुक ना, मुख्यमंत्री नीतीश है तो देता ही ना नौकरी रहे, तो बोला जब 17 साल में नहीं दिया तो 1 साल में तो उखाड़ के दे देगा। मतलब आपका गर्लफ्रेंडों का भरोसा नहीं है? भाई मत पूछ, रात भर रोए, रात भर रोए, लेकिन जब से सुने हैं 2 दिन पहले कि तेजस्वी यादव 12 तारीख को खेला करने वाले हैं, भैया हम फटाका खरीद के रख लिए, हाँ घर में, और खुशी हो रहा है ताकि तेजस्वी यादव सीएम बनेगा और फिर हमको नौकरी देगा तो दूसरी गर्लफ्रेंड पटाएंगे। आपको पता नहीं है, आसवा रहा युवा को मोदी जी, आप क्या कर दिए, देखिए युवा रो रहा है, 72 साल का युवा रो रहा है। देखिए भैया को पता नहीं है कि वैलेंटाइन डे के महीना चल रहा है, और वैलेंटाइन डे के महीना चल रहा है, और अक्सर यही महीना में लड़की धोखा देती है और अक्सर धोखा देती है लड़कियाँ। 14 तारीख को दूसरी लड़की पटाएंगे, 14 तारीख नौकरी के नाम पे अक्सर धोखा देती है, बेरोजगार से कोई लड़की पड़ती है। रोज पे नहीं, रोजगार पे ध्यान दीजिए कि रोज लेने वाले भी रोजगार पे, रोजगार देख के आप पास आएगी, समझ रहे ना, लड़कियों के लिए संदेश दे रहा है। रोजगार पे ध्यान दीजिए, रोजगार। पहले हम बीजेपी को वोट दिए थे, देख रहे हरियर गमछा, अब हम पलटी मार दिए हैं। मुसलमपुर हाट में रहते थे, बड़ी पुलिस पीटा हमको। अरे बाप रे, कहला अरे नौकरी मांग ले गए थे भैया, तो हमारे वो दसवा बताया, अरे तू मोदी के वोट काहे दिया था, तब गली नौकरी उकरी देगा, तो बोला कि मोदी के तो तू राम मंदिर के नाम पर दिया था, धर्म के नाम पर दिया था, तो रोजगार काहे मांगे। तो हम सोचे हाँ ये गलती हो गया, इसीलिए पलटी मार दिए। मतलब आप धर्म के नाम पे दिए थे, मंदिर के नाम पे दिए? हाँ भाई, अब गलती हमारी है, गलती हमारी है भाई, हम रोजगार के नाम पर तेजस्वी को वोट देते, लेकिन तेजस्वी को हम दिए नहीं, अब इस बार तेजस्वी भैया को फिर से सीएम बनाएंगे, उन्हीं को नौकरी, उन्हीं से नौकरी ले लीजिए, हाँ रोजगार के नाम पर उन्हीं को देंगे। फरवरी का मजा सबसे बढ़िया को ले रहा है तो नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, बीच पे जाके एकदम मस्त फोटो खिंचाते हैं, एकदम पोस्ट करते हैं, 10 मिलियन लाइक मिलता है। हाँ बेवफा को राजा नहीं है, वो अंदर वाला बेवफा करते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री रही कुमार, जब तक इंडिया में युवा रही बेरोजगार, रंडवारा आएगा पूरा। हाँ बोलिए चाचा, सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं?
बोलिएगा, बुलाना चाहते हैं क्या? अरे आप सबसे बुजुर्ग, अगर बुलाना चाहते हैं है ना, तो हम एक ही शब्द कहेंगे, बोलिए। जब से कोरोना काल आया तब से जामाडोल इंडिया हुआ हो गया। युवा आपके सामने बहुत लोग मौजूद है, क्या मोदी जी रिकवरी कर दिए हैं? युवा को ही पूछिए कि वो कहाँ पे हैं। मोदी जी का नहीं, एक मोदी जी का कहना है सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा, लेकिन कहते हैं सब पढ़ेगा सब धरातल में रहेगा, बाकी सब ऊपर जाएगा। अभी जो है युवा सब कंफ्यूज हो गया है कि नया नया वोट देने जाना है 24 में, ठीक है, आ कभी ये लोग झंडा उठा ले रहा है, कभी नौकरी मांग रहा है, कंफ्यूज हो गया कि झंडा के नाम पर दे कि नौकरी के नाम पर दे। ना ना, सबसे पहले युवा लोगों को नौकरी के नाम पर देनी चाहिए, नौकरी के नाम पर देनी चाहिए। रोजगार का नाम तेजस्वी यादव, रोजगार का नाम तो रोजगार तो हम भी कर रहे हैं, रोजगार हम भी कर रहे हैं, जितने यहाँ पे खड़े हैं टोटल रोजगार कर रहे हैं, लेकिन जो युवा है किसी का बच्चा हो उसे नौकरी की जरूरत है, उसे नौकरी चाहिए, लेकिन हमें जो महसूस होता है कि वैसा नहीं हो रहा। तो 24 में आपका कहना है कि युवा लोग नौकरी के नाम पर वोट देगा, महंगाई के नाम पर वोट दे। सुनिए, जब प्रधानमंत्री बने थे तो याद तो नहीं है 14 में या 19 में वो कहे 10 लाख देंगे नौकरी, अब ये सर्वे को निकाल लीजिए कि कितने लाख नौकरी दिए हैं। अरे हजार रुपया वो दूसरा से कर्जा लिए हुए रोजगारी दे रहा, क्योंकि नौकरी मिला ले जो उसको सधा दे, अब वो बोले कि 15 लाख मिलेगा, लड़े पगला 50-50 बात ले, दे 1000 रुपया वो दे दिया, अब ना नौकरी दिया 15 लाख दिया, 1000 रुपया के लिए रोजगारी मिल रहा, बेरोजगार है। अरे मोदी तो बोला है कि पकौड़ा बेचना भी रोजगारी, मोदी हमको पकौड़ा बेचने लायक मिले छोड़ा है, भैया तेल महंगा गैस महंगा पकौड़ा भी बेचे का, पकौड़ा बेचने लायक मान के जो लोग कर्जा करके पकौड़ा बना के बेचबो करेंगे तो युवा सब बेरोजगार है तो खाएगा का घ्यूरा, पैसे लग रहेगा तो फ्री में थोड़ी खिलाएंगे। अच्छा क्या कहिएगा भैया? हम क्या बोले क्या बोले, क्या मुद्दे पे वोट देना है आपकी? जो भी डेवलपमेंट के बारे में देना है, रोजगार के बारे में, बस रोजगार। हाँ, रोजगार नहीं हुआ, मोदी जी कह रहे कितना विश्व गुरु बना दिया, कैसे हो गए भैया बता दीजिए, कैसे हो गए हैं बता दीजिए, आप पे जहाँ जगह पोस्टर लगा है, बस 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 यही यही वही वही एडवर्टाइज, वो 2014 से लेकर के अब तक 2024 चल रहा है, वो सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं? बोलते हैं कि 24 घंटा हम काम करते हैं, तो वही प्रचार वाला करते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है, विश्व गुरु बना रहे हैं, अरे खाली प्रचार कर रहे हैं। बिहार में नीतीश, हमर कहना है जो चाचा बाबू शुरू से नौकरी करते थे तब मिल जा पेंशन उठाते थे, अब बचवा जब नौकरी करके जाते हैं, अरे बाबू तो रिटायरमेंट की मिलता, कल के घड़ी घंट पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा तो कैसे बाल बच्चा जिएगा? माँ बाप जो है नौकरी करता है तो रिटायर होता है तो बाल बच्चा पैसा जमा वाला बांट लेता है, पेंशनमा मिलेगा तब ना बाल बच्चा हमको बगल में लटकेगा कि बाबू को पेंशन मिलते हैं, हे बढ़िया से बाबू खा दिए हैं, बढ़िया से खा दिए हैं, और यदि बाबू को पेंशन नहीं मिलेगा तो गांव पर लात मार करके भगा देगा, जाओ भीख मांगोगन, जना अखनी बड़का बड़का घर के बाल बच्चा भी मैंने बूढ़ा बूढ़ी भीख मांगता है, चलिए हम चिन्हा देते हैं जंक्शन में। माने अब युवा का भी समस्या है और आप लोगों का भी समस्या है कि पेंशन नहीं मिलेगा तो बच्चों लात मार के भगा देगा बिहार का, हाँ एकदम भगा देगा, कहने कि बच्चा भी लोभ से होता है कि माँ बाप को पेंशन मिलेगा तो कुछ मिलते हैं हमरो, अरे लेके लोभ से खिलाता है सेवा करता है माँ बाप को, यदि नहीं पेंशन मिलेगा ना तो माँ बाप को जो है ना दर्जा नहीं देता है, इज्जत नहीं देता है, और मुंह नाक मुंह टेढ़े करके भोजन देगा। तो आजकल हमारा विद्यार्थी जो है जो नौकरी करेगा वो बुढ़ापा में रिटायर होगा तो उसको बाल बच्चा क्या इज्जत करेगा जब पेंशन नहीं मिलेगा, तो जमा वाला पैसा सब अपना अपना बांट लेंगे। तो सो मोदी जी के हैं अबरी बिहार के जनता जो है सिर्फ लालटेन ही बारेंगे बिहार में, और लालटेन को देख लिया कि 17 महीना में तेजस्वी यादव जिस हाल में हो कुछ कर कर तरक्की दिखा दिया है, और हमारा पप्पू बाबू भी आ रहे हैं, पप्पू देव पूर्णिया का, तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के लिए और सम्मिल में सीएम बनवाने के लिए, और जितन राम मांझी भी आ रहे हैं, ललन बाबू भी आ रहे हैं, उनको बढ़िया से मान सम्मान किया जाएगा और बढ़िया से बिहार का जो है विकास होगा ये सब मिल करके। और एक मिनट, लालू यादव ने हारने वाला है
न डरने वाला है। अच्छा। और तेजस्वी बहुत सीएम जल्दी बनने वाला है, तेजस्वी सीएम बनने वाला है एकदम बनेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं।